हेलो दोस्तों, क्या आप भी कोई नई आदत बनाना चाहते हैं या फिर कोई पुरानी आदत छोड़ना चाहते हैं? आज मैं आपको जिस किताब की समरी बताने जा रहा हूँ उसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स, जिसमें हम सीखेंगे कि किसी भी गुड हैबिट को बनाने के लिए या बैड हैबिट को खत्म करने के लिए आपको 4 स्टेप की जरूरत होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई आदत 4 स्टेप्स में करी जाती है। जब भी हम किसी आदत को सीखने की कोशिश करते हैं, लाइक डैट, सुबह जल्दी उठना, रोज जिम जाना, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना, गिटार सीखना या और कोई नई आदत जो आप सीखना चाहते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि उसका रिजल्ट अगले दिन से ही दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन ये सच नहीं है। कोई भी आदत बहुत ज्यादा छोटे छोटे एक्शन लेकर ही बनती है। अगर आप एक दिन शराब पी लें तो आपको उसकी लत नहीं लगेगी, लेकिन अगर यही प्रोसेस आप बार बार करेंगे तो आपको उसकी आदत हो जाएगी जो आगे जाके लत बन जाएगी। आप बिल्कुल स्मॉल एक्शन लेके अपनी कोई भी आदत बदल सकते हैं। उसका रिजल्ट शुरू में नहीं दिखेगा, लेकिन समय के साथ आपका एक्शन आपकी आदत बन जाएगी, जिसका आपको पता भी नहीं लगेगा। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर आप एक दिन में सिर्फ 1% अपने आप को बेटर करते हैं तो आप एक साल में 38 गुना अपने आप को बेटर बनाते हो। ये है एटॉमिक हैबिट्स का कमाल। हम किसी भी आदत को अपने अंदर इसलिए डेवलप नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपका एक्शन का रिजल्ट आपको शुरुआत में नहीं दिखता। फिर आप सैड हो जाते हो और एक्शन लेना बंद कर देते हो, जिससे हैबिचुअल चेन टूट जाती है। हमें अपने गोल पे नहीं बल्कि प्रोसेस पर ध्यान देनी चाहिए और उसे हर रोज एंजॉय करनी चाहिए, जिसे आप हैबिट बना सकें। अब बात करते हैं उन 4 स्टेप्स की जिससे कोई भी हैबिट बनती है। क्यू, कार्विंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल, मान लें आप घर पे बैठे हैं और आपका फोन एक साउंड करता है, शायद कोई SMS का साउंड हो या कोई यूट्यूब नोटिफिकेशन। ये है क्यू। इसके बाद आपके मन में ये इच्छा होती है कि फोन को उठाऊं और देख लूं कि फोन क्यों बजा है। ये है क्रेविंग, और आप फोन को उठाते हो और चेक करते हो कि साउंड क्यों बजा। ये है रिस्पॉन्स, ये देख कर कि फोन में क्यों साउंड हुआ था आपकी इच्छा पूरी हो जाती है, जिससे आपके मन में इच्छा प्राप्ति मीन्स अचीवमेंट की भावना आती है और माइंड को लगता है जो जो चाहा हो गया, और ये होता है रिवॉर्ड। लेकिन ये इतना फास्ट होता है कि आपको पता भी नहीं चलता कि आपने पूरी एक्टिविटी कब खत्म कर दी। और हम उन्हीं 4 चीजों से आदत बनाना या खत्म करना सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। रूल नंबर 1, क्यू को क्लियर करें। रिपीटेड वर्ड्स। कोई भी आदत बनाने से पहले आपको अपनी डेली लाइफ से अवेयर होनी चाहिए कि आप पूरे दिन क्या करते हैं। उसके लिए जो भी आप करते हैं उसको आप बोल बोल कर करें या फिर करने के बाद बोलें। देन आपको रियलाइज होगा आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 1 घंटा फेसबुक चलाया, मैं आज 8 बजे उठा, या मैंने 2 घंटा यूट्यूब चलाया। टाइम एंड लोकेशन। जो भी आप आदत शुरू करने वाले हैं उसका समय और जगह पहले से तय होनी चाहिए, इससे आपके मन में उस काम को लेकर एक समय और जगह तैयार हो जाएगी। हैबिट्स प्लस हैबिट। अपनी करंट आदत को अपनी उस आदत से मिला दो जो आप शुरू करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान ले आप सुबह योग करने की आदत बनाना चाहते हैं, तो आप कहें कि मैं सुबह ब्रश करने के बाद 5 मिनट योग करूंगा। इजी मेथड। आदत को करने का प्रोसेस आसान बना दो। मान लो आप सुबह सुबह 1 गिलास पानी पीने की आदत शुरू करना चाहते हैं, तो रात को ही पानी से भरा बोतल बेड के बिल्कुल पास रख दें। सुबह जब भी आप उठेंगे आपको किचन तक नहीं जाना होगा, आप बोतल उठाएंगे और तुरंत पानी पी लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, कैरविंग को अट्रैक्टिव बना दो। अपनी आदत को अपनी फेवरेट आदत के साथ मिला दें। अगर पहले वाला एग्जाम्पल लूँ तो मैं सुबह ब्रश करने के बाद 5 मिनट योग करूंगा, उसके बाद 10 मिनट गाने सुनूंगा। इसमें ब्रश करना रेगुलर हैबिट है, योग करना आदत बनाना चाहता हूँ, गाने सुनना फेवरेट हैबिट है। एनवायरनमेंट। हम जैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं वैसे ही बन जाते हैं, तो इसलिए ज्यादातर उन दोस्तों या उन लोगों के साथ रहें जिनमें वे आदत पहले से ही हो। मान ले आपको बुक पढ़ने की आदत डालनी है, तो फेसबुक या इंस्टाग्राम में ऐसे पेजेस को फॉलो करें जिनमें लोग पहले से बुक पढ़ते हो। नेक्स्ट पॉइंट, रिस्पॉन्स को इजी बना दो। नॉट टाइम इनफैक्ट रिपीटेशन। किसी भी काम को आप कितनी देर तक कर रहे हैं ये ना देखें, इनफैक्ट ये देखें कि कितनी बार कर रहे हैं। कोई भी आदत बार बार करने से बनती है, ना कि बहुत लंबे समय के लिए एक बार करने से।
एक दिन में 4 घंटे गिटार सीखने के बजाय हर दिन बस 15 मिनट ही सीखें, लेकिन हर दिन सीखें। लिस्ट इफॉर्ट, ह्यूमन बिहेवियर को आसान चीजें करना ज्यादा पसंद है, इसलिए अपनी हैबिट को करने के लिए ऐसा माहौल बना दें कि उसको करने के लिए ज्यादा सोचना ना पड़े, और आदत के लिए माहौल पहले से ही तैयार रखें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मॉर्निंग में रनिंग के लिए जाना है तो शूज पहले से ही बेड के नीचे रख दें। 5 मिनट फॉर्मूला, जब भी आप कोई नई आदत शुरू करें तो उसको करने के लिए शुरुआत में 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मॉर्निंग में जिम जाना चाहते हो तो अपने जूते बांधें और फिर रनिंग करते हुए जिम तक चले जाएं और फिर रोज यही करें। वे एक्शन पहले ही इतनी बार हो चुका होगा कि वे अब एक हैबिट बन जाएगी और एक दिन आप जिम करना स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, रिवॉर्ड को हैप्पी बना दो। कोई भी आदत करने के बदले हमारे दिमाग को एक रिवॉर्ड की जरूरत होती है ताकि वो उसको अगली बार दोबारा करे। इसलिए अपनी हैबिट को कंटिन्यू रखने के लिए अपने आप को कुछ न कुछ रिवॉर्ड दें। मेजर करें, अपनी हैबिट को हर दिन मेजर करें कि आपने अपनी हैबिट को आज किया है या नहीं। रोज कैलेंडर पे मार्क लगा दें, नेवर मिस ट्वाइस। कभी कभी ऐसा होगा कि किसी कारण से आप किसी दिन अपनी हैबिट को नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक दिन से ज्यादा उसको मिस ना करें, अगले दिन जरूर करें, चाहे थोड़ी देर करें लेकिन जरूर करें। फ्रेंड्स, एटॉमिक हैबिट्स किताब को खरीदने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करें। आशा करता हूँ आपको यह बुक समरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।